नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त मेरे पीछे एक मस्जिद है जो एक रात में तमीर की गई थी। आए इसका विज़िट करते हैं और इसकी तारीख के बारे में आपको बताते हैं। नाज़रीन, तारीख बताती है कि अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ से एक मुसलमान मुसाफिर का गुज़र हुआ, तो वो वक्त नमाज का था, लिहाजा उसने यहाँ नमाज अदा की। जबकि ये इलाका हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था, हिंदुओं को ये बर्दाश्त ना हुआ तो उन्होंने हंगामा आरई शुरू कर दी, यहाँ तक कि ये मामला अदालत तक जा पहुँचा। हिंदुओं के मुताबिक इस जगह हिंदुओं की अक्सरियत है, इसलिए यहाँ मंदिर तमीर होगा। जबकि मुसलमानों के मुताबिक ये जगह मस्जिद के लिए थी, इसलिए यहाँ मस्जिद तमीर होनी चाहिए। ये 1917 का ज़माना था, अंग्रेज़ों का दौर था, मुसलमान और हिंदू अदालत के फैसले के मुंतज़िर थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों की तरफ से वकील थे। अंग्रेज़ जज ने यह कहकर मामला लटका दिया कि मैं खुद कल इस जगह का मुआयना करूंगा, मौका पर जो सूरताल होगी इसको कायम रहने दिया जाएगा। ये मामला देखने के बाद मुसलमानों के वकील ने सबको कह दिया कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जज है, ये हिंदुओं का साथ देगा। बेहतरीन हाल ये है कि इस जज के कल दौरा करने से पहले पहले यहाँ मस्जिद तमीर हो। कहा जाता है कि गामा पहलवान की क़्यादत में मुसलमान रज़ाकार शाम की नमाज के बाद मस्जिद की तमीर के लिए जमा हुए। मुबीना तौर पर मस्जिद फजर की नमाज तक मुकम्मल हो चुकी थी और जज ने फिर मुस्लिम कम्युनिटी के हक में फैसला सुनाया। इसी मस्जिद के बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मस्जिद सर्कुलर रोड पर शालमी चौक के पास वाकया है। ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।